गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर मिसेस रितु रानी. स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लासेस. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर स्टे एट योर होम एंड यू आर सेफ. सो स्टूडेंट, टुडे लेट वी स्टार्ट आवर वर्क. यस, इन फोर्थ क्लास मैथ्स फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट, लार्ज नंबर एंड रोमन न्यूमेरल्स. लार्ज नंबर्स एंड रोमन न्यूमेरल्स. इन लार्ज नंबर फर्स्टली यू नो वेल दैट इन द थाउजेंड पीरियड एंड दिस इज द वंस पीरियड. इन वंस पीरियड क्या होता है? वंस पीरियड में स्टार्टिंग होती है हमारी वंस, टेंस, हंड्रेड. जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि सपोज करो हमें दे दिया 296. इस 296 में ये होता है हमारा वंस पैलेस पे, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड पैलेस. आफ्टर दैट इन फोर्थ क्लास वी स्टडी अबाउट द थाउजेंड पीरियड. मीन्स टू से बिफोर दिस वी अप्लाई टू नंबर 4, 3. सो दिस इज द थाउजेंड पीरियड, दैट इज थाउजेंड एंड दैट इज 10,000. सो वी कैन से दैट वी 34,296, वी से लाइक दैट. नाउ इन दिस राइट द मिसिंग पीरियड एंड पैलेस. हमें क्या निकालना है? मिसिंग पीरियड और पैलेस लिखने हैं. सो स्टूडेंट, हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये कौन सा पीरियड है? हमारा वंस पीरियड है. और ये कौन सा पीरियड आ जाएगा? हमारा थाउजेंड, थाउजेंड. अब वंस में कौन से होते हैं? वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड होता है. और थाउजेंड में एक थाउजेंड हो जाएगा और एक 10,000 हो जाएगा. इसी तरह से जो हमारा ये अबेकस है, अबेकस में क्या हो जाएगा? इसमें भी हमारा सेम चलेगा. पहले कौन सा चलेगा? पहले हमारा वंस चलेगा, फिर टेंस चलेगा, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड एंड फिर 10,000. इसी अकॉर्डिंग हमारे ये चलते रहेंगे. अब नेक्स्ट सेकंड सम, राइट द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम. हमें न्यूमेरल राइट करने हैं, न्यूमेरल्स दे रखे हैं और नंबर नेम राइट करने हैं. 5,000, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लिखेंगे 5,000. तो देखो कोमा कहाँ लगेगा हमारा? वंस, टेंस, हंड्रेड. एक वंस पैलेस का जो वो होएगा, जो हमारी वंस वाली पीरियड वाली टर्म है, उसके जस्ट बाद हमारा कोमा लग जाएगा. सो स्टूडेंट, यहाँ पे 5,000, तो ये यहाँ पे फिनिश. अब नेक्स्ट है 623, तो 623 ऐसे लिखा जाएगा. ये नेक्स्ट में क्या दे दिया हमारा? 60,000. तो 60,000 पीरियड के कितने हैं हमारे पास? 60 हैं. और 203 किसके हैं? हमारे वंस पीरियड के. नेक्स्ट है 48,000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 48,000 क्या हो गया हमारा? 712, तो 712 लाइक दैट. 50,000, ये सिर्फ 50,000 दिया है, तो वंस पैलेस में क्या आ जाएंगे? ओनली जीरोज. नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, न्यूमेरल्स दे रखे हैं, और उनको हमें क्या करना है? वर्ड में राइट करना है. तो क्या दे रखा है हमें? 17777 ये दे दिया हमें, 17777. अब ये देखो, ये हमारा कौन सा पीरियड है? ये हमारा थाउजेंड पीरियड है और ये हमारा वंस पीरियड है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? थाउजेंड पीरियड में कितने आए हैं? 17 आए हैं. तो हम यहाँ बोलेंगे 17,000, फिर हो गया हमारा 700. हंड्रेड पहले इस पे 7 है, फिर 7 है, फिर 7, 777. तो हम इसको क्या लिख देंगे? 777. रिमेनिंग पार्ट डू सेम. वी से दैट 29,900, 78,433 एंड 99,001. नेक्स्ट इन द फोर्थ सम व्हाट दे गिव यू, राइट द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर. हमें कौन सा नंबर लिखना है? ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर. स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हमें पता है कि
वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर पता होना चाहिए हमें सभी डिजिट्स के, वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, टोटल नंबर डिजिट कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी वन डिजिट हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट तो वन हो गया और ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? 9। इसी तरह से ये सिंगल डिजिट थी, डबल डिजिट होएगी तो उसमें वन के पीछे जीरो लग जाएगा, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, और ग्रेटेस्ट में नाइन के पीछे नाइन लगता जाएगा। अब जो स्मॉलेस्ट होएगी अगर टू डिजिट में, तो वन के पीछे वन जीरो, अगर थ्री डिजिट का है तो वन के पीछे टू जीरो, और ग्रेटेस्ट है तो नाइन के पीछे उतनी बार नाइन लग जाएंगे। तो अब देखो बात आ रही है हमारी फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा फाइव डिजिट का 5 टाइम 9, और 5 टाइम 9 में फर्स्ट थ्री नंबर वंस पीरियड के होते हैं और फिर थाउजेंड के, 99,999। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट में दिया है स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट क्या हो जाएगा? ये फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट था, फाइव डिजिट का हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा हमारा वन, उसके पीछे कितनी जीरो? फाइव डिजिट की है तो 40। 10,000, 10,000 इज द डैट नंबर दैट इज स्मॉलेस्ट। नाउ इन द नेक्स्ट सम स्टूडेंट, व्हाट दे गिव यू, व्हाट इज वन मोर देन, व्हाट इज मोर मोर देन फोर डिजिट ऑफ 9। सो ग्रेटेस्ट नंबर दे दिया फोर डिजिट का हमें, 9, 9, 9, 9, हमें क्या बताना है? मोर देन दिस, तो इसमें हम वन ऐड कर देंगे, 9 एंड 1 10, यहाँ पे 1 कैरी 9 1 10 1 कैरी 9 1 10 1 कैरी 9 1 10, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10,000। इसी तरह नेक्स्ट वन मोर देन दिस, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 10,000 है उसमें हमें वन ऐड कर देना है। नेक्स्ट है वन मोर देन दिस, 9,9,9,9,7, और इसमें हमें क्या कर देना है? वन मोर, मीन्स टू से मोर का मतलब है ज़्यादा, एक बढ़ा देना है, एंड वन मोर देन, इसमें भी हम इसी तरह से वन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है? काउंटिंग बाय 100 राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर, हमें नेक्स्ट थ्री नंबर लिखने हैं और काउंटिंग बाय 100, तो 100 पहले देखेंगे हम कौन सा है, वंस टेंस 100, 100 पहले हमारा 4 वाला है ना, तो 4 के प्लेस पे एक एक नंबर आगे बढ़ता चले जाएगा और बाकी नंबर सेम रहेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या है? 73415, तो इससे नेक्स्ट 100 चेंज करना है तो 73515 हो जाएगा, फिर 100 पहले इस पर चेंज करना है 73615 हो जाएगा, फिर 6 के पहले इस पर चेंज कर देना है 73715। कितने स्टेप चेंज करने हैं हमें? नेक्स्ट थ्री नंबर, सो वन मोर देन वी राइट 73815। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट में भी हम इसी तरह 100 पहले इस पर, जैसे ये 3 है, 3 के पहले इस पर 4 हो गया है, नेक्स्ट में 5, तो ये हो जाएगा हमारा 80,399, 80,499, 80,599, 80,699 and 80,799, मीन्स टू से जो ये यहाँ पे बाकी नंबर सेम रहेगा, 3 के पहले इस पे नंबर चेंज होते चले जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है काउंटिंग बाई थाउजेंड्स राइट द नेक्स्ट फोर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, हमें थाउजेंड्स में काउंटिंग करनी है और उससे अगले फोर नंबर लिखने हैं, तो वैल्यू क्या दी गई है हमें? 14,300 थाउजेंड्स में, तो हम यहाँ देखेंगे हमारा थाउजेंड पैलेस कौन सा है? थाउजेंड पैलेस हमारा ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करना है हमें कितने टाइम? नेक्स्ट फोर नंबर, तो इससे अगले फोर नंबर लिख देंगे, तो यहाँ पे देखो 1,300 सेम, सिर्फ 4 की जगह चेंज करना है हमें, 5 हो गया, उससे आगे क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा, उससे आगे क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा, उससे आगे क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा, बस नेक्स्ट 4 नंबर ही तो चाहिए थे हमें। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, सेम यू डू दिस स्टेप, ओनली यू चेंज प्लेस ऑफ 9। सो स्टूडेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, यू have complete solve this exercise in your fair notebook of maths,
विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे.